नमस्कार। आज का हमारा पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति थोड़ा कठिन शब्द आपको लग सकता है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उपभोक्तावाद है क्या। संस्कृति की बात बाद में करेंगे, पहले हम ये समझेंगे कि उपभोक्तावाद किसे कहते हैं। उपभोग को ही जीवन का सब कुछ मान लेना। अब उपभोग क्या है, यानी कि वस्तुओं का प्रयोग करना। आप सभी जानते हैं कि विज्ञापन और चमक दमक का समय चल रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह अधिक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग करके देख ले, और इसीलिए चारों तरफ उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं बेच करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वह किसके लिए है, कंज्यूम करने के लिए है, यानी उपभोग करने के लिए है। हर इंसान अधिक से अधिक वस्तु का प्रयोग कर रहा है या चाहता है, यानी कि पहले की अगर तुलना में आज देखें तो जीवन शैली जो है बदल गई है, और मनुष्य की सुख की परिभाषा भी बदल गई है, क्योंकि सुखी उसे ही माना जाता है आजकल जो ज्यादा वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है। यानी किसी के पास गाड़ी है, बंगला है, लग्जरी गुड्स हैं, उन्हें ही ज्यादा सुखी माना जाता है। लेकिन पहले का जो समय था उसमें संतोष को ही परम सुख माना जाता था। अभी जो उपभोग और भोग की संस्कृति चली है, या अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग जो है उसे ही सुख की परिभाषा से तुलना उसकी की जाती है। आप अपने आसपास भी ये घटनाएं देख सकते हैं कि जिनके पास बड़ी गाड़ी है वह ज्यादा खुश हैं, बड़ी बाइक है वह ज्यादा खुश हैं, या बड़ा टीवी है तो वो ज्यादा खुश हैं। यही क्या कहा जाता है, जीवन जीने का जो मूल्य है वो बदल गया है। अधिकाधिक भोग में संतुष्टि नहीं है, वो भोग की कामनाएं बढ़ ही जाती हैं। आजकल क्या है कि सभी उत्पादन हमारे लिए बनाए गए हैं, और हमारे आसपास का वातावरण भी, हमारा चरित्र भी बदल गया है, और हम अपने आप को उत्पादन के प्रति अर्पित कर रहे हैं। जो विकास है उसके साथ साथ हमारे चरित्र का भी विकास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम केवल उत्पादकों के लिए जी रहे हैं, यानी हमारा जो भी पैसा है वो प्रोडक्शन की ओर चला जाता है, और अधिक से अधिक वस्तुओं का उपयोग करना हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया है। यही श्री श्यामाचरण दुबे ने इस पाठ में समझाने की कोशिश की है। भौतिकवाद क्या है, भौतिक वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग कर लेना। भौतिक वस्तुएं किसे कहते हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, सांसारिक वस्तुएं। वो सब चीजें क्या है, भौतिक वस्तुएं हैं, और हर इंसान जो है उसी पर अपना जीवन टिकाना चाहता है, पूरा जीवन उसी को समर्पित करना चाहता है। और यही कारण है कि हम प्रोडक्ट्स के गुलाम बनते जा रहे हैं। प्रोडक्ट्स के गुलाम यानी उत्पाद के पूर्णतः गुलाम बनते जा रहे हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूं कि मैं बहुत ज्यादा साहित्यिक भाषा का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ समझाना ही हमारे इन पाठों का उद्देश्य होता है, कि जो बच्चा है उसके माइंड में क्लियर हो जाए कि इस पाठ में क्या बताया गया है। शुद्ध हिंदी का प्रयोग हम इसमें नहीं कर रहे हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे ध्यान दें। अगर आपको लिखते समय जो शब्द प्रयोग करने हैं, लिखित की भाषा अलग होगी, क्योंकि हिंदी को जितना आप शुद्ध रूप में लिखेंगे तो आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए ये वाला लेक्चर है कि पाठ में क्या समझाया गया है। यहाँ पर फिर लेखक क्या समझाता है कि अभी जो कंपटीशन चल रहा है, अंधी प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसमें अमीर वर्ग की नारियां जो हैं वो महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स खरीदती हैं, और उनकी टेबल पर 30,000 की सौंदर्य सामग्री भी मिल जाती है, यानी मेकअप का सामान मिल जाता है। कुछ लोग पेरिस से सुगंधित तेल मंगवाते हैं, और महंगे मेकअप के प्रोडक्ट्स भी मंगवाते हैं, क्योंकि ये
आजकल प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गए हैं, सोशल स्टेटस बन गए हैं, इसलिए लोग बाहर से भी ये सब चीजें मंगवाते हैं। धन खर्च करने की शक्ति जो है किसमें कितनी है, यानी कौन कितना ताकत रखता है, वह उसके अमीर होने को दिखाता है। फिर लेखक कहता है कि इस दौड़ में पुरुष भी पीछे नहीं है, और पुरुष जो लोग हैं वो साबुन और तेल का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पुरुष भी तरह तरह के प्रोडक्ट्स का यूज करने लगे हैं, और अभी तो 2-4 दर्जन चीजें मार्केट में और भी आपको मिल जाएंगी जो दिखावे के लिए खरीदी जाती हैं, प्रदर्शन के लिए खरीदी जाती हैं। इसमें लेखक अपने जो अमीर वर्ग है उस पर व्यंग्य करता है, क्योंकि उपभोक्तावादी संस्कृति किसको बढ़ावा देती है, फिजूल खर्ची को बढ़ावा देती है, और यहाँ पर लेखक की भाषा व्यंग्य से भरी हुई है, हालांकि प्रभाव भी उत्पन्न करती है। सांस्कृतिक अस्मिता, इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। संस्कृति का अर्थ है जीवन शैली, किस तरह से हम जी रहे हैं, और अस्मिता का अर्थ है पहचान। लेखक यह बताना चाहता है कि हमारी भारत की जो परंपराएं हैं और विदेशों की जो परंपराएं हैं, उन दोनों में टकराव है और हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, यानी पश्चिम सभ्यता की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं और हम उनके दास बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि भारत की वस्तुओं को हम हीन समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, और पश्चिम विचारों को हमसे श्रेष्ठ समझकर हम उन्हें अपना रहे हैं, और यही कारण है कि हमारी बुद्धि उनकी दास बनती जा रही है, उनकी गुलाम बनती जा रही है। इसे क्या कहते हैं, बौद्धिक दास कहा जाता है। जब कोई शक्तिशाली देश अपनी संस्कृति या जीवन शैली को दूसरों पर थोपता है, तो वहां के लोग उसे स्वीकार करके अपनी पहचान भूल जाते हैं, और थोपने वाला देश क्या कहलाता है, सांस्कृतिक उपनिवेश वह बन जाता है, कॉलोनी बन जाती है, यानी कि एक तरह से, यानी कि कहने का भाव क्या है कि संस्कृति और विचारधारा और जीवन शैली का प्रचार प्रसार करके वो अपनी एक कॉलोनी बना लेता है। लेखक ने बताया कि इससे समाज में जो वर्ग हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, उनके बीच में एक खाई बनती जा रही है, यानी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और यही कारण है कि आजकल मालिक नौकर, कारखाने वाले और मजदूर, इन सब के बीच में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। हमारे जीवन का कोई महान उद्देश्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य केवल क्या बन गया है कि बस ज्यादा से ज्यादा कमा लो, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उपभोग कर लो, और यह है हमारी जो तुष्टि है वो केवल क्या है, क्षणिक है, इसमें जीवन का कोई सारांश नहीं है, यह बात लेखक कहता है, और साथ ही समाज के लिए भी यह हानिकारक है। सबसे बड़ी चिंता क्या है कि समाज के जो वर्ग हैं उनके बीच में दूरी बढ़ती जा रही है, और यही कारण है कि आजकल अशांति और आक्रोश बढ़ गया है। अमीर लोग हैं अधिक अमीर हो गए हैं, और गरीब लोग जो हैं वो और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। आज हम अपनी जीवन शैली, यानी कि रहन सहन का जो लेवल है हमारा, और अपनी जो सोच थी, हमारे भारत की सोच थी, उसको हमने छोड़ दिया है, उसको छोड़ करके पश्चिमी देशों की नकल हम करने लगे हैं। ये लेखक इसमें कहता है कि इस सब घटनाओं से केवल ज्यादा उपभोग की इच्छा ही बढ़ती जाती है, और तब वह इन्हीं सुख को सुख मान करके अपने मन को खुश कर लेता है, और लेखक इसे क्या कहता है, ये झूठी तुष्टि है, यानी झूठ बोल रहे हैं हम अपने आप से। हमें झूठी लक्ष्य जो है हमारा प्राप्त करने के लिए, जैसे टीवी है, फ्रिज है, कंप्यूटर है, कार है, मोबाइल है, हम इनकी ओर भागने लग जाते हैं, और यही चीज जो है लेखक ने इसे उपभोक्तावाद की संस्कृति कहा है, और ये हमारे समाज के लिए चुनौती है। गांधी जी ने इसे चुनौती कहा,
क्योंकि वो भारतीय संस्कृति के पुजारी थे। आज के युग में किसी वस्तु को खरीदने के लिए उसकी आवश्यकता का होना अनिवार्य नहीं है। कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो हम केवल विज्ञापन देख करके खरीद लेते हैं। क्यों क्यों खरीदते हैं विज्ञापन देख करके? कि इससे हमारी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और इस दिखावे की शान को बनाए रखने के लिए ऐसी वस्तुओं को खरीदने के लिए हम हमेशा सोचते रहते हैं। यही इस पाठ के बारे में लेखक ने बताया है, जिनका नाम है श्री श्यामा प्रसाद दुबे। अगर आपको इससे संबंधित प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और मुझे बताएं। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में वह चैप्टर पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।